जिम उन्नत आई थिंक मारा फाधर एक बहु स्ट्रेस में हो ऑफिस में अने इमना थी ए हार एक्सेप्ट नहीं थती अने लोको इमनी आजूबाजू बात करी रहा छे ने अने ए ट्रावेल इमनू जे छे जे लगभग बधा ज लोको एक टाइम उपर फेस करे के सक्सेस अने पछी फेलियर्स अने एने फेलियर्स ने स्ट्रगल जे करवानो जे छे ए इट वॉज या इट वॉज इंटरेस्टिंग ए मने गमी ए ट्रावेल इमनू अने इमनू फ्रस्ट्रेशन फेलियर हेन्डल नहीं थई रह्यु शांत ज नहीं थई रह्यु मगज अने लूज करवानो इमोशनली एक नया कैरेक्टर है कॉल्ड भला भगत उसका एक सीन है और वो सीन मुझे राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ दैट द राइटिंग ओनली वो मुझे इतना प्यारा लगता है वो सीन शुरू से ही क्योंकि वो उसमें एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर सामने आती है वो है गुडनेस तो आपको अच्छाई पर गुडनेस पर इतना भरोसा हो जाएगा ना उस सीन के बाद इसलिए वो सीन मुझे बहुत पसंद है हमें इस तरह की अच्छाई स्क्रीन पर देखने नहीं मिलती हम बहुत ही क्लीशे काइंड ऑफ अच्छाई गुडनेस देखते रहे हमेशा थोड़ा फिलोसॉफिकल थोड़ा प्रीची हमेशा बट ये इतना स्मूथली एकदम मक्खन की तरह एक अच्छी सी बात इतने प्यारे से इतने हल्के से कह के निकल जाता है दैट्स माय मोस्ट फेवरेट सीन मारो पण सेम ज छे एक्चुअली कारण के भला भगत नो जे सीन है जे रीते एक तो लखायेलू छे बहुत सुंदर लखायेलू छे अने बीजू ए अमारो सीन नथी आ कोई नो पण सीन नथी ये जे करण देसाई नामनो एक एक्टर छे अने अमारो मित्र पण छे तो एने आ सीन ए पात्र भजव्यू छे अने बहुज सुंदर रीते भजव्यू छे अने मने ख्याल छे जे जे दिवसे अमे शूट करी रह्या था बधा बस एने जोई रह्या था आम ज जोई रह्या था कि आ शू करी रह्यो छे अने बहुज सुंदर रीते भजवायु छे तो मने ए सीन काइंड ए एक इट लीव्स विथ यू हां ए काइंड एक कॉर्ड स्ट्राइक करे छे तमारा हार्ट मा ए सीन फॉर मी एंड आई विल इवन से दिस ऑन बिहाफ ऑफ शीतल जो हमारा पूरा सीक्वेंस था मैंगो का एंड द विच एंड द फेरी इज व्हाट वी बोथ एंजॉयड क्योंकि उसके रिलेटेड जितने भी सीन्स थे विच के फेरी के वेर वी आर ड्रीमिंग अबाउट द मैंगोज एंड सारी लग्जरीज जा रही है हम लोग ड्रीम कर रहे हैं कि हम लोग रास्ते पर आ गए वी एंजॉयड डूइंग